बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट, और आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ जो फैली हुई हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ, जो लोगों को बेबस करके उनकी ज़मीनें हासिल कर लेती हैं और फिर इसके बाद कत्ल वारत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब चौधरी अशरफ गुजर साहब, उनसे हम ये जानेंगे। चौधरी साहब, ये क्या मामला है कि एक अफरा तफरी का आलम हो गया है कि आम आदमी जिसकी थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, शामलात की ज़मीन है या माल की ज़मीन है, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो एक मगरमच्छ की तरह ज़मीनों को खाए जा रही हैं। बुनियादी तौर पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, दो तरह के बनते हैं। एक तो वो हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत हैं, कुछ ऐसी हैं जो निजी तौर पे अपनी कोई उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली और उसके तहत उन्होंने ज़मीनें आबाद करना शुरू कर दी। बुनियादी तौर पर जो जुम्मेदार हैं, जो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है, वो रेगुलेटर्स पे होती है। रेगुलेटर वो हैं जो उस ज़िले को और उसके हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, जिनके फ़र्ज़ में शामिल है। मसलन, अगर ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं तो इन्हें रेगुलेट करना इस्लामाबाद की हद तक ज़िली इंतज़ामिया की जुम्मेदारी में आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो इनको रेगुलेट करें, इनके मामलात को देखें, और उसके साथ साथ जो उनके डेवलपमेंट के मामलात हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, जो इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसे देखना है कि क्या जो डेवलपमेंट हो रही है वो उनके जो बिल्डिंग बाईलाज हैं, जो उनके डेवलपमेंट के उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, लॉज बनाए हुए हैं, उसके मुताबिक है, लेआउट प्लान प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा, ये सारी चीज़, और ज़मीन भी प्रॉपर है या नहीं। आपने देखा होगा कि ज़मीन बहुत थोड़ी सी होती है लेकिन हज़ारों के हिसाब से उसकी फाइलें फरोख्त हो रही होती हैं, और हज़ारों के हिसाब से गरीब लोग, मासूम लोग अपनी उम्र भर की पूंजी इनको दे के वो लुट रहे होते हैं और कोई उनका पुरसान ख्याल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस्लाम, अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर जुम्मेदारी और जो फेलियर है वो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेलियर है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ये फेलियर होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो इनकी नाहली और नालायकी भी बीच में आती है, नंबर वन। नंबर टू, ये करप्शन, करप्ट टैक्सेस जो है CDA के अंदर और ज़िली इंतजामिया के अंदर, वो भी बुनियादी वजह है। फिर ये बेनिफिशरी भी हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सबसे पहले इन्हीं को बेनिफिट किया जाता है, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इनको चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को पूछने वाला नहीं है कि क्यों हो रहा है, और कोई चेयरमैन CDA और CDA के बाकी अफसरान को चेक करने वाला, पूछने वाला नहीं है। बाकी मामलात में इतने उलझे हुए हैं, हमारी जो हायर ब्यूरोक्रेसी है या जो ऊपर वाले इदारे हैं वो इतने कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि ये उनकी शायद तरजीहात में भी नहीं आता। चौधरी साहब, मुझे आपसे इख्तलाफ है, चेक करने वाले तो बहुत हैं। मिसाल के तौर पर अगर चेक करने वाला आप समझें तो पटवारी भी है, चेक करने वाला तहसीलदार भी है, चेक करने वाला मजिस्ट्रेट भी है, चेक करने वाला सर्किल रजिस्ट्रार भी है, चेक करने वाला CDA का मुतलका महकमा डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी है, और इसके अलावा भी FIA भी चेक कर सकती है, NAB भी चेक कर सकती है, लेकिन जानबूझ के सब अपना हिस्सा लेके खामोश हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, मुझे आप ये बताएँ कि एक सोसाइटी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो रजिस्टर्ड इस्लामाबाद में है, उसका लैंड रिकॉर्ड अटक में है, और उसकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वो फतेह जंग में है, उसमें बताएं ना आप CDA क्या करेगा, हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया भी क्या करेगी। आज से 20 साल पहले उनको रजिस्टर्ड कर दिया, अब ज़िली इंतज़ामिया को क्या पड़ी है कि वो जाए अटक उनका रिकॉर्ड चेक करे या उनकी ज़मीन चेक करे। देखें मांगट साहब, जब ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई, ज़ाहिर है मार्केटिंग हो रही है, अखबारों में इश्तहार आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी सर्टनली चल रही होगी, लोग भी कंप्लेंट्स दाखिल करते हैं और ज़िली इंतजामिया को बताते हैं, तो ज़िली इंतजामिया को देखना चाहिए कि एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद ज़िले की हदूद में ऑपरेट नहीं कर रहा, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसकी जो यहाँ पर जगह नहीं है, वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड क्यों है। एक काम तो ज़िले इंतजामिया को और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है ICT के तहत, वो फौरी तौर पर ये बनता है कि उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मनसूख कर दे। ये काम तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं करते इसका मतलब है कि ये उसमें शामिल हैं, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। आंखें बंद करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, वो आप सब जानते हैं। ये मैं समझता हूँ, जो मैंने कहा इनको चेक करने वाला नहीं है, अगर ये उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते
फिर इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, इस जिले इंतजामिया को तो पूछने वाला कोई होना चाहिए कि तुम ये क्यों काम नहीं कर रहे हो, तुम क्यों अपने फर्ज से गफलत बरत रहे हो। और इनकी नाहली और नेग्लिजेंस की वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी डायरेक्टली जिले इंतजामिया पे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट पे आती है। लेकिन चौधरी साहब, हमारे वजीर आजम सेक्रेटरी जो वजीर आजम पोर्टल बना है, वहाँ लोग शिकायत डालते हैं, वहाँ से फौरी तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, चीफ कमिश्नर को भी, जो मुतलका होती हैं, वो इनसे पूछा जाता है, लेकिन फिर चंद दिन पूछा जाता है, फिर उसके बाद ठंड हो जाती है। मैं समझता हूं कि चूंकि मामलात को निचली सतह पे जिली इंतजामिया ही डील करती है, जिली इंतजामिया के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरानी ने डील करनी होती है, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी के, अफसरशाही के, नौकरशाही के जो भी सिलसिले हैं उनमें जाके कुछ मामलात जो हैं उनमें ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब तक अच्छे परफॉर्म करने वाले, अच्छे ऑनेस्ट अफसरान को डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर नहीं लगाया जाएगा, दीगर जिले इंतजामिया के ओहदे जो हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, और फिर उनके ऊपर चेक नहीं होगा। अब मुझे बताएं, डिप्टी कमिश्नर को कौन चेक करता है, चीफ कमिश्नर को कौन चेक करता है? मेरे इलम में नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को कोई अथॉरिटी चेक करती हो। ये हर किस्म के पड़ताल से, हर किस्म की निगरानी से ये बालातर हैं, बादशाह लोग हैं, इन्हें कोई चेक करने वाला नहीं। अच्छा चौधरी साहब, एक हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी अब सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी का नहीं, मेरे पास तो चूंकि हमारा काम ऐसा है, हर किस्म के लोग आते हैं, पार्क व्यू से मुतल्लिक आए, उन्होंने कहा कि जी हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमें ये जगह दे दें वरना हम आपको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और ये पहला नहीं है, हर सोसाइटी का ये हथकंडा होता है, जो साल हर साल से जद्दी पुश्ती लोग बैठे होते हैं, एक नई सोसाइटी आती है, उनके पास पैसा होता है, वो उनका रास्ता बंद कर देते हैं, जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो उनका जीना हराम हो जाएगा। तो आपने कोई इस हवाले से, मैं मेरी वो है थी मालूमात कि आपने इस हवाले से हाईकोर्ट में एक रिट भी की थी, वो क्या बना उसका सर? जी मांग साहब, असल मसला ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसने लेआउट प्लान अप्रूव करना होता है, बिल्डिंग बायलॉज उसके अप्रूव करने होते हैं, बाकी उसका सारा एक जो स्ट्रक्चरिंग है वो देखनी होती है, बदकिस्मती ये है कि इस बात का इत्मीनान किए बगैर कि उनके पास पूरी जगह है या नहीं है, वो उनको एनओसी दे देते हैं। बल्कि यहां पे तो जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये हुआ कि सीडीए ने सरकारी जमीन दे दी उनको, जिसके ऊपर पार्क व्यू को, जी जी बिल्कुल, सरकारी जमीन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जमीन है वो उनको दे दी, जो करोड़ों रुपए मालियत की थी बगैर किसी उसकी कीमत लिए। उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनला साहब ने उसका एक रिट पिटीशन पे नोटिस लिया और वो एनओसी कैंसिल किया। अच्छा। और उसके ऊपर सीडीए के अफसरान की, बहुत सारे लोगों की सरजनश भी की गई, लेकिन सरजनश से उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला एक और हो रहा है मांगड़ साहब, मसला ये हो रहा है कि ये जितना भी प्रॉपर्टी माफिया पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, ये करता क्या है? ये इनके पास इकट्ठी जगह तो होती नहीं, ये पांच कनाल एक जगह से ले लिया, 20 कनाल दूसरी जगह से परचेज कर ली, 40 करते करते, अच्छा फिर जो लोग इनको जमीनें नहीं देते उनको मुख्तलि मकदमात में फंसा दिया जाता है। इन्होंने बहुत सारे नोटोरियस लोग, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो इन्होंने एम्प्लॉय किए होते हैं जत्थे की शक्ल में, 50-60-100 बंदा इन्होंने रखा होता है, शरीफ आदमी उनको कन्फ्रंट नहीं करता, फिर ये उनके रास्ते बंद कर देते हैं। जिस आपने, मैंने बिल्कुल एक केस किया, इस्माइली कम्युनिटी है इसी सोसाइटी के बिल्कुल सबर में, जो आज से 26 साल पहले से वहां पे आबाद हैं, ये लोग तो 5-6 साल पहले आए, इन्होंने 26 साल पुराने जो लोग हैं कम्युनिटी के आबाद हैं, उनजा के आताबाद झील के मुतासरीन भी हैं, उनके रास्ते बंद कर दिए, ना वो आ सके ना जा सके, उनके लिए उनकी जायदादें, उनकी प्रॉपर्टियां वो नाकारा होकर रह गई, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उन्हें मजबूर किया जाता था कि बेच दो, हमें दे दो। ये अक्सर जो ज़मीनें हासिल की जाती हैं इसी तरह की जाती हैं, बहुत सारे वहाँ पे मुख्तलिफ इस सोसाइटी में भी, बाकियों में भी बहुत सारे तनाज़े हुए, मुकदमे हुए, रिट पिटीशन पे दरवाजा खुलवा, उनका रास्ता खुलवा दिया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिले इंतजामिया को नोटिस दिया, उनसे जवाब मांगा, उनके जो फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, ये मौके पर गए, उन्होंने एक दफा रास्ता खुलवाया। ये इतने मुंहजोर लोग हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद एक दफा रास्ता खोलने के बाद दोबारा बंद कर दिया। अच्छा। अगली डेट में दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने सरजनिश की जिले इंतजामिया के अफसरान की, फिर जाके उनका रास्ता दोबारा खोला गया।
उनके साथ कई दफा उन लोगों को मैनहैंडल किया गया, मारपीट वहां पे की गई, उनसे उनके डॉक्यूमेंट छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिए गए, धक्के मारे गए, जद्दोकूब किया गया, मजरूब किया गया। और फिर ये कि जब वो थाने में जाते हैं तो थाने में भी उनकी शवाई नहीं होती। ये अभी जाके कम अज कम 3-4 पेशियों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब के पास लगी, फिर जाके उन लोगों का रास्ता खुला, उन्हें अपने घर अपने घरों में जाना नसीब हुआ। ये इनके हथकंडे हैं लोगों को मजबूर करने के, कि उनके रास्ते बंद कर दो ताकि उनकी ज़मीनें उनके लिए कोड़ियों की भी ना रहें और वो उन्हें बेचने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, ये जो हथकंडा है ये तमाम हाउस जो ये प्रॉपर्टी माफिया है वो ये करता है। बदकिस्मती फिर वही है कि ज़िली इंतज़ामिया भी इनके आगे बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, आंख और कान उन्होंने बंद किए हुए हैं। पुलिस भी इनके ताबे है, बाकी भी जो इदारे जिन्होंने हेल्प करनी होती है वो इनके ताबे हैं। एक ही इदारा पीछे रह जाता है जो इनको दादरसी देता है, वो अदलिया का इदारा है। लेकिन चौधरी साहब, अदलिया भी आर्डर जारी करती है, किसी आर्डर पे इम्प्लीमेंट होता है, किसी पे नहीं होता। बेशुमार ऐसे आर्डर हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो आला अदालतों ने जारी किए लेकिन निचली सतह पे जाके या तो ज़िली इंतज़ामिया ने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है या पुलिस ने, लेकिन पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया पहले से उनके फैसिलिटेटर होते हैं, वो कोई ना कोई और रास्ता निकाल के हक का रास्ता वो बंद कर देते हैं। चौधरी साहब, एक अफरा तफरी का आलम नहीं है। अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी को देखें तो मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूं कि कितने थाने जो हैं वो इस वक्त प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिले हुए हैं। वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोगों को इंसाफ देने के लिए कर ही रहे हैं। उनका काम ही सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों के साथ काम करना है, तो फिर क्या इस मुल्क में इंसाफ का तसव्वुर रह जाएगा? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इतफाक़ करता हूँ कि ये बदकिस्मती के साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस के बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बिल्कुल उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा, उनकी सहूलतकारी और उनके ताउन के बगैर ये लूट मार, ये प्लंडरिंग जो हो रही है, जो लोगों को महरूम किया जा रहा है उनकी जायदादों से, उनके जानों माल से महरूम किया जा रहा है, बड़ी तादाद में इवन कत्ल भी होते हैं, इवन यहाँ पे मेल फीमेल बहुत लोग हैं जिनकी, जिन्हें इस्लामाबाद में अगर आप मुकदमे उठा के देख ले सारे थानों के, आपको दर्जनों लोग मिलेंगे जो महज हाउसिंग माफिया ने, प्रॉपर्टी माफिया ने उनको जानों से उनकी जानें छीन ली, उन्हें कत्ल कर दिया और वो कब्जे उन्होंने कर लिए। बदकिस्मती ये है कि फेडरल कैपिटल जो है वहाँ पर भी जो ये लॉलेसनेस की सूरत हाल है वो इस स्टेज पर पहुँची हुई है। मैं समझता हूँ कि आला तरीन सतह पर, इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सतह पर इसका सख्ती से नोटिस होना चाहिए कि ज़िले इंतजामिया, सीडीए और पुलिस अगर ये प्रॉपर तरीके से लोगों को अमन अमान, उन्हें जान का तहफ्फुज़ नहीं देती तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनके होते हुए इस तरह के वाकयात और वारदातें हों, उन्हें कम से कम ऐसे मंसबों पे फायज नहीं रहना चाहिए। ये इन्हें कम से कम सजा, ऐसा कोई आर्डर आला अदालतों से हासिल किया जा सकता है कि हमारे जो देहाती एरियाज के मजाफात के जो थाने हैं वो चूंकि पूरी तरह मुलव्वस हैं, जैसे थाना तरनौल है, निलोर है, कुराल है, फिर बन्नी गाला है, फिर उधर सिहाला है, फिर इसी तरह थाना सदर बैरूनी है, जो पिंडी के गिरदोनवा के जो थाने हैं वो समझे वो प्रॉपर्टी माफिया की दुकानें हैं जितने ये थाने हैं। तो कोई अदालत से ऐसा आर्डर जारी हो सकता है, चूंकि अंदरूनी शहर जो सर जितने भी ये हमारे थाने हैं वो कोई शराब खानों से बता लेता है, कोई मसाज सेंटरों से बता लेता है तो अपना निज़ाम कार चलाता है, या कोई उनके पास केस आ गया उससे निज़ाम कार चला लिया। लेकिन ये जो लोगों की जायदादों पे कब्जा करना, कब्जा माफिया को कब्जे लेके देना और जुल्म व ज्यादती करना, क्या अदालतों से ऐसा कोई आर्डर हो सकता है कि अदालत ऐसा आर्डर पास करते कि जितने भी मजाफात में थाने हैं अगर वहाँ का SHO या कोई अहलकार प्रॉपर्टी डीलरों का आला कार पाया गया तो वह नौकरी से जाएगा, ऐसा मुमकिन है? देखिए मांगर साहब, जो इंतज़ामी अमूर हैं और अमन व अमां के मामलात हैं वो अदलिया तो उनकी निगरानी नहीं करती, ना ही अदलिया वो इंजाम सर अंजाम देती है, और ऐसा तो नहीं, अदलिया तो केस टू केस बुनियादों पे फैसले करती है। अगर कोई ऐसा मामला अदालत के रूबरू आए, अदालत के सामने आए, जिसमें ऐसे पुलिस अफसरान या ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान या CDA के अफसरान, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी साथ दिया जाए कि वो इस तरीके से मुलव्वस हैं लोगों की जायदादों को छीनने में, लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करने में, या इस तरह के जो प्रॉपर्टी माफिया है उसको फैसिलिटेट करने में ये लोग शामिल हैं, ऐसा सारा ट्रैक रिकॉर्ड अदलिया के सामने आए तो अदलिया सर्टनली उस पर्टिकुलर केस की हद तक ऑब्जर्वेशन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, और जाहिर है अदालत ऐसे जो भी अहकाम देगी वो वाजिब हैं मुतलका आला हुकाम को कि उस पर अमल दरामद करें और उसको माने।
बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन आप चौधरी अशरफ गुजर साहब की बातें सुन रहे थे, बिल्कुल हकायक पे मबनी है, लेकिन ये कह लें कि हमारे मुल्क का पूरी कौम का ये एक अलमिया है कि हमारी हाँ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों की जायदादों को जब्त किया जा रहा है और लैंड माफिया जो है दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं, अगले दिन वो उससे बड़ी वारदात करते हैं। तो नाज़रीन चूँकि हमारा ये सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पे हम इसको सामने लाते हैं, चूँकि हर आदमी के साथ, हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ ये मसला है, या कोई किसी का प्लाट खा गया या किसी पे कब्ज़ा हो गया, लिहाजा हम अपने तरफ पूरी कोशिश करते हैं कि आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया जाए, कब्ज़ा माफिया को बेनकाब किया जाए। आज भी हमारी यही कोशिश थी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।